प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चैतन्य दया, जय जिनेन्द्र, टप गया पापा। जय जिनेन्द्र दया, बाबूजी, मम्मी, मम्मी, अरे भाई, अभी जय जिनेन्द्र बोले, बाबूजी होश में आ गए दया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अभी बोल। हाँ, सेठानी जी, सेठ जी, आनंदो, आनंदो, भगवान ने हमारी सुन ली, सेठानी जी होश में आ गई। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। अब रो क्यों रहे हैं टप्पू के पापा? अरे पगली, पिछले 7 घंटों से तू बेहोश थी, अब होश में आई है तो ये खुशी के आंसू है। देख, सब लोग चिंता कर रहे तेरे बाबूजी, टब्बू, मेहता साहब, मम्मी, चाची, अय्यर भाई, सोनी भाई, नटू काका। अभी तुम्हें क्या हो गया था? ठीक हुआ? भाभी, आप सोच नहीं सकती हम लोग कितने परेशान थे, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र कि आप होश में आ गई। अरे दया पापी जी, आपको अच्छा देख के बहुत अच्छा लग रहा जी। आप लोगों को मना किया था, फिर भी अंदर आ गए। अरे, पेशेंट को होश आ गया, इट्स मिरेकल। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ओए वाहेगुरु, सच्चे पाशा, तेरा शुक्र है मेरे मालिक, और आपने दया भाभी जी को एकदम चंगा कर दिया जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बहू बेहोश क्यों हो गई थी? जब कोई इतनी ऊंचाई से अचानक गिरता है ना, तो उसके दिल और दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा लगता है, और कभी कभार इंसान कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। वैसे आपकी बहू काफी लकी है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इनके सर में कोई चोट नहीं आई है। कृष्ण भगवान ने हमारी दया भाभी को बचा लिया। हाँ बबीता, एकदम सच कह रही हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। डॉक्टर साहब, दया को घर ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, ले जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण इनके दोनों हाथों में माइनर क्रैक है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, प्लास्टर लगाने के बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जब तक इनके हाथों में प्लास्टर लगा हुआ है, तब तक ये कोई भी भारी चीज नहीं उठा सकती, और इनके हाथों पर कोई भी जोर नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्रैक बढ़ भी सकता है। इसलिए आपको इनका बराबर ध्यान रखना होगा। नहीं नहीं, मैं दया का पूरी तरह ध्यान रखूंगा डॉक्टर साहब। गुड, डॉक्टर प्रसाद। यस सर। इन्हें प्लास्टर लगाकर डिस्चार्ज दे दीजिएगा। जी सर। यू प्लीज कम विद मी। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे सॉरी,
जरा एक टैक्सी का बंदोबस्त कर देना भाई। ओ जेठा ब्रा, टैक्सी की लोड है, ओ अपनी जीप है ना, उसमें लेके चलते हैं भाभी जी को। नहीं तेरी जीप खुली है ना भाई, तो बारिश बारिश आ गया तो क्या, दया के प्लास्टर में पानी चला गया तो तपलिक हो जाएगी ना। अरे सही कह रहे हो जेठा ब्रा, अरे क्रैक में कहीं पानी चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अभी टैक्सी का बंदोबस्त करके आता हूँ जी। चलो जेठालाल, जरा अंजलि को खुशखबरी दे दूं यार। हेलो अंजलि। हाँ तारक बोलिए। अंजलि, दया भाभी को होश आ गया है। क्या? हाँ, और हम थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी आ जाइए। क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ? दया भाभी को होश आ गया है। और सुनो सुनो, वो थोड़ी देर में यहाँ वापस आ रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गणपति बाप्पा। अय्यर साहब, भगवान सब ठीक कर ही देता है। हाँ बराबर है। अजय गोकुलधाम जाने के लिए गड्डी तैयार है जी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बहना को, क्या हुआ? भाई मेहता साहब ने बताया ना सुंदर, वो दया मटके फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ी थी तो रस्ते से हाथ छूट गया तो नीचे गिर गई, लेकिन भगवान की दया से दया को ज्यादा कुछ लगा नहीं है, दोनों हाथों में थोड़ा मामूली क्रैक आया। माय डियर जीता जी, आप पे भरोसा रख के मैंने अपनी बहना का हाथ आपके हाथों में दिया था। चल चल, अभी क्या फेंक रहा है भाई, हमारी शादी हुई तभी 10 साल का था तू। हाँ तो मैंने नहीं माने, बेचारी भोली माँ ने आप पे भरोसा रख के आपके हाथों में बहना का हाथ दिया, और आपने आपने क्या किया, उन्हीं हाथों में क्रैक कर दिया। भाई मैंने क्रैक नहीं किया वो। कुछ मत बोलिए, आज आपने ये साबित कर दिया है कि आप मेरी बहना को संभालने में नाकामयाब रहे हैं। तो अभी क्या करना, क्या है तेरी बहना को अहमदाबाद वापस लेके जाना है? कहाँ है बहना, कहाँ है? सुंदर, मेरा भैया हूँ। ये तो उत्साह है, तू तो समझ, उसके हाथों में लगा तभी बहना रे अपना नाक खिंचवाने जा रहा है। बहना ये सब कैसे हुआ बहना? दरअसल ये एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? कमाल है जेठा ब्रा, फिर हमने डॉक्टर साहब को झूठ क्यों बोला कि ये एक्सीडेंट नहीं है? तब भी हमें पता नहीं था ना भाई, ये दया अभी बोली कि एक्सीडेंट है। हाँ करेक्ट है जी। बेटा चलो भाई, चलो घर नहीं जाना। हाँ चलो चलो, आओ चलो चलो। अरे नटो काका, अभी आप घर जाइए, सुबह से बहुत परेशान हुए आप। कैसी बात करते हैं सेठ जी, इसमें परेशानी कह की? अरे ये तो मेरा कर्तव्य है। थैंक यू नटो काका, लेकिन आज के लिए इतना कर्तव्य काफी है, अभी शांति से आप घर जाइए। कोई गल नहीं लड्डू काका जी, और थोड़ी सी गड्डी है ना, आप आपके घर पे छोड़ के जाएगी गड्डी, आगे गोकुलधाम सोसाइटी। थैंक यू पापा, चले गोकुलधाम। टप्पू संभाल के बेटा, बोलना जरा। हाँ बस संभाल के दया, संभाल के बेना, आओ बेना। सब लोग बापरे, लग गया इनको इतने उल्टे बहुत जोर से लगा है। दया भाभी, क्या आपके दोनों हाथों में प्लास्टर? अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, बस 10-15 दिन में तो मैं ठीक हो जाऊंगी, थोड़ी सी क्रैक हुई है। दया भाभी आपको पता है हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ दया भाभी, आप जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए हम सब लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आप लोगों की दुआ और प्रार्थना मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता।
अरे दया भाभी, ये तो उस मुरली वाले की कृपा है कि आप बिल्कुल सही सलामत घर पे आ गई हैं। खरत से बाबा। आप बताइए, गोकुल अष्टमी के दिन इससे बढ़िया तोहफा क्या हो सकता है हम लोगों के लिए? बिल्कुल मेहता साहब, सही क्या? करेक्ट। हाथों में चोट लगी, जरा शांति रख। हाँ। तुझे गरबा करना है ना? हाँ। तो तू खड़ी रहे, तेरे लिए मैं गरबा करता हूँ। क्या बात है! नसीबदारा, सूढ़ी का घास सोए से गया बबीता जी। हाँ? मतलब सूढ़ी ऊपर से गिरे तो अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं लगा उसको, छोटा हो, क्रैक ही हो हाथ में ऐसा। हाँ, दैट्स ट्रू। अभी सभी लोग, अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल? सॉरी सॉरी सॉरी। अभी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है तो मैं जरा दो शब्द कहना चाहूंगा। ये भीड़े का ऐसा ही है, जहाँ 15-20 लोग एक साथ में देखे नहीं कि नेता बन जाता है, लगता है भाषण ठोकने। सही बात है। चल भाई चल, एक मेवे सेक्रेटरी शुरू कर अपना भाषण। अरे अरे, जरा दो मिनट गरबा रोक दीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, एक मिनट। आइए भाई, एक मिनट एक मिनट। हाँ बोल भाई पिटू। आप देखिए, बात यह है कि आज दया भाभी के साथ जो भी हादसा हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव जिम्मेदार सेक्रेटरी होने के नाते एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि अगले साल से हम लोग जन्माष्टमी नहीं मनाए। बराबर है। हाँ बराबर है। हाँ बराबर है। नहीं नहीं भिड़े भाई, अब ऐसा प्रस्ताव मत रखिया। या पापी जी, मैंने लगता है कि भिड़े प्रा का प्रस्ताव है ना, वो एकदम सही है। हाँ बेना। हाँ नहीं सोनी भाई, ये गलत है। देखिए अब सब लोग सोचा, हमारी सोसाइटी का नाम ही है गोकुलधाम। गोकुलधाम मतलब कृष्ण भगवान का धाम। अब आप ही बताइए, कृष्ण भगवान के धाम में हम गोकुल अष्टमी नहीं मनाएंगे तो कानूड़े को कितना बुरा लगेगा। हा? सही बात है। देखिए मेरे गिरने की वजह से आप ऐसा प्रस्ताव मत रखिया, क्योंकि वही किशन कन्हैया ने मुझे बचाया है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई इस तरह के उत्सव में, खेल में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं यार। आप मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आप सड़क पे चलना बंद कर देंगे? भाई आप साइंस की लैब में कुछ प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे ढाप पे गिर जाए तो क्या एक्सपेरिमेंट्स बंद हो जाते हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं दादा। तो सिलेंडर फट जाते हैं कई बार घरों के अंदर गैस के, तो क्या लोग खाना बनाना बंद कर देते हैं? कभी नहीं। हादसे की वजह से क्या हम उत्सव मनाना बंद कर देंगे? अरे हाँ, लेकिन तू भाई कुछ बोल ही मत। भाई भिड़े का जन्माष्टमी न मनाने का प्रस्ताव कैंसल। थैंक यू। अरे भाई अब आप लोग दया भाभी को क्या सारी रात यहीं खड़े रख के बात करोगे? हाँ उनको आराम करना है भाई, थक गई है, घर जाने दो। चलो चलो चलो। अब
कमल चलो राम जी की कृपा से बाबू जी वापस आ गए। भाई मेरा भाड़ा। ओ भाई साहब तो मेरी टैक्सी का भाड़ा दो। अरे सॉरी भैया कितना हुआ? 9,000 रुपए। अरे भाई सोडी। हाँ जी डबरा। ये कहाँ से टैक्सी लेके आया तू? अरे ये टैक्सी मैं नहीं लेके आया। अरे बट टैक्सी लाने तो तू ही गया था ना भाई। अरे टैक्सी लेने में गया जरूर था पर यार टैक्सी मिली नहीं, और जब मैं वहाँ पे इंतजार कर रहा था तभी सामने से सुंदर आ गया और मुझे पूछने लगा, अरे सोडी तू यहाँ पे क्या कर रहा? मैंने कहा जी दिया पापी जी को हमने घर लेके जाना है तो इसलिए टैक्सी ढूंढ रहा हूँ। तो उसने कहा अरे है ना टैक्सी, इसमें मेरी बहना को लेके चलते हैं घर पे। मैंने कहा सुंदर भरा ये आइडिया भी जबरदस्त है यार, चलो फिर दिया पापी जी को इसी में लेके चलते हैं। जेठा भरा ये टैक्सी सुंदर भरा अहमदाबाद से लेके आया। थैंक यू सॉरी भाई, निकलो निकलो आप अभी। अच्छा ठीक है चलता हूँ। ओए मेरी चलो पार कर दे गड्डी। जीजा जी जैसे ही मुझे पता चला कि बेना को हॉस्पिटल में एडमिट किया मैंने फटाक से टैक्सी पकड़ी और मैं मुंबई आ गया। और क्या है कि जल्दी जल्दी में मैं अपना पर्स लाना भी भूल गया। वो मैं समझ गया, लेकिन अहमदाबाद से मुंबई का तो 6,000 होता है ना, 9,000 क्यों मांग रहे हैं? बस बस आप सही हो जीजा जी, अहमदाबाद से मुंबई आने का सिर्फ 6,000 ही होता है, पर क्या है कि मुझे बहुत जल्दी आना था और मुंबई से अहमदाबाद आने में 8 घंटे लगते हैं। मैंने इसको बताया कि अगर तू मुझे 6 घंटे में मुंबई पहुंचा देगा तो मैं तुझे 1.5 गुना भाड़ा दूंगा, और उसने 6.5 घंटे में पहुंचा दिया। तो फिर इसके हुक्का है दे दीजिए। हाँ बेना तू खड़ी रह, मैं दे दूंगा, चिंता मत कर। मुझे लगा मदद करूं तो। नहीं नहीं तू अभी किसी को कुछ मदद मत कर। हाँ ठीक है। अरे और पहुंच के फोन करना है। ठीक है कि तू पहुंच गया है। हाँ चल चल चल। थैंक यू भाई। बेना संभाल के जाना। हाँ ठीक मैं ध्यान रखूँ। बेना संभाल के आना एकदम। आओ मैं आओ आओ संभल के दरवाजे में तेरे कोने नहीं लगे। टप्पू के पापा मुझे हाथों में लगा है आंखों में नहीं। आ एक मिनट क्या इधर ही खड़े रहे, मैं एक मिनट आया। क्या हुआ लेकिन? एक मिनट बाबू एक मिनट आया। हाँ बोलिए तो सही। अरे कहाँ चला गया? पापा ने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए लगता है पापा को भूख लगी है। ऐसे मुझे छोड़ कर बस आ गया आ गया आ गया। लो अब मैं अंदर आऊँ तो क्या पूरी रात इधर ही खड़े रहने का इरादा है? हंसो मत हंसो मत वरना हाथ दुखेंगे। टप्पू के पापा मैं हाथों से नहीं मुंह से हंसती हूँ। वो मुझे पता है लेकिन तुम जब हंसती हो तो एकदम झटका लगा हंसते हो। तो वो झटका क्या फिर हाथों पे भी लगता है ना, तो उसकी वजह से कहीं वो क्रैक बड़ा ना हो जाए इसके लिए बोल रहा हूँ। हंसो मत। एक मिनट अब क्या हुआ बेटा? त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की। जरा पानी देना बाबूजी को। अरे नया लाग। हे भगवान अब इस हाल में मैं घर का काम कैसे करूंगी? जी टप्पू टप्पू के पापा का ध्यान कैसे रखूंगी? हे माँ अब मैं क्या करूं? कल्पना कीजिए किस दिन सूर्य उदय होना छोड़ दे, कल्पना कीजिए किस दिन धरती परिक्रमा करना छोड़ दे, कल्पना नामुमकिन है। ठीक वैसे ही नामुमकिन है किसी भारतीय परिवार में एक माँ का,
एक पत्नी का, एक बहू का अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाना ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अगर किसी कारणवश भारतीय नारी अगर ये सब न कर पाए तो गतिविधियां थम जाती है। ठीक वैसा ही हो रहा है इस वक्त गड़ा परिवार में। दया भाभी जिनको दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया और उनके दोनों ही हाथों में प्लास्टर है और उनके मन में इस वक्त भी यही चिंता, उन्हें अपने दर्द की चिंता नहीं है, उन्हें अपने गम नहीं सता रहे, उन्हें यह चिंता नहीं है कि मैं पानी कैसे पीऊंगी, शायद ज्यादा चिंता यह है कि वो टप्पू को तैयार करके स्कूल कैसे भेजेंगी, घर का काम कैसे करेंगी। यही भारतीय नारी की महानता है, वो अपने से ज्यादा अपने परिवार का सोचती है। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि इस स्थिति में आगे क्या होता है और ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं जानता हूँ इन स्थितियों में आपको हंसी थोड़ी सी कम आ रही होगी, लेकिन जिंदगी में हंसी ही सबसे ज्यादा जरूरी नहीं, यही क्षण हमें सिखाते हैं कि हंसी कितनी मूल्यवान है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।